हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोग्राफर जेके में। दोस्तों आज हम एक जाने माने अभिनेता के बारे में बात करेंगे। वह कोई और नहीं, वह है कादर खान। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को काबुल अफगानिस्तान में एक सुन्नी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता कंधार अफगानिस्तान के अब्दुल रहमान खान थे, जबकि उनकी माँ ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत अब बलूचिस्तान पाकिस्तान में के पिशिन की इकबाल बेगम थी। खान के तीन भाई थे, शम्स उर रहमान, फजल रहमान और हबीब उर रहमान। वह काकर जनजाति का एक जातीय पश्तून है। खान का पालन पोषण कमाठीपुरा में हुआ। उनके परिवार के काबुल से वहां चले जाने के बाद वे मुंबई के पड़ोस में रहने लगे। उन्होंने एक स्थानीय नगरपालिका स्कूल में और बाद में इस्माइल यूसुफ कॉलेज में दाखिला लिया, जिसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक किया। 1970 और 1975 के बीच उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भाईखला में एमएच साबुसिद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाया। ताश के पते नामक नाटक में प्रदर्शन करते समय उन्हें हास्य अभिनेता आगा ने देखा, जिन्होंने तब अभिनेता दिलीप कुमार को नाटक देखने का सुझाव दिया। दिलीप कुमार प्रभावित हुए और उन्हें अपनी अगली फिल्मों के लिए साइन कर लिया। स्वास्थ्य कारणों से टोरंटो जाने तक खान मुंबई में रहे। उनके तीन बेटे थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान और तीसरा बेटा कुदूस जो कनाडा में रहता था, 2021 में निधन हो गया। उनके बेटे सरफराज खान ने भी कई फिल्मों में अभिनय किया है। बताया गया कि खान ने कनाडा की नागरिकता ले ली है। 2014 में खान हज करने के लिए मक्का गए। खान ने 1970 के दशक से 21वीं सदी के अंत तक हिंदी और उर्दू में 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 250 से अधिक भारतीय फिल्मों के लिए संवाद लिखे। खान को सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी एक अपक्षयी बीमारी थी। उन्हें 28 दिसंबर 2018 को कनाडा में सांस फूलने की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वे इलाज के दौरान अपने बेटे और बहू के साथ रहे। 31 दिसंबर 2018 को खान के बेटे सरफराज खान ने पुष्टि की कि खान की मृत्यु हो गई है। उनका अंतिम संस्कार मिसिसोगा में आईएसएनए मस्जिद में आयोजित किया गया था और उन्हें ब्रैम्पटन के मीडोवेल कब्रिस्तान में दफनाया गया था। उन्हें अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, गोविंदा के साथ और टी रामा राव के राघवेंद्र राव के बापैया नारायण राव दसारी द्वारा निर्देशित फिल्मों में काम करने के लिए सबसे लोकप्रिय पहचान मिली। डेविड धवन, उन्होंने असरानी, शक्ति कपूर और जॉनी लीवर जैसे अन्य हास्य कलाकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। 5 उन्होंने अमरीश पुरी के साथ सह अभिनय किया है। प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और अनुपम खेर कई फिल्मों में। उन्होंने कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जैसी विभिन्न शैलियों की फिल्मों में विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं। 2013 में हिंदी फिल्म उद्योग और सिनेमा में उनके काम और योगदान के लिए साहित्य शिरोमणि पुरस्कार, खान को भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए उनकी उपलब्धियों और सेवा